हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गड्डी वाले में। और आज हम बात करने वाले हैं होंडा के एक नए व्हीकल के बारे में जिसका नाम है होंडा SP125। आप जैसे कि जानते हो कि होंडा ने अपने शाइन SP125 को अपग्रेड कर दिया है। मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि होंडा ने अपग्रेड करने के बाद इसमें 10 से 12 ऐसे बड़े चेंजेस किए हैं और साथ ही साथ जो इसका प्राइस है वो भी इंक्रीज हुआ है थोड़ा सा। तो उसी के बारे में आज बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे, प्राइस क्या होने वाला है, स्पेसिफिकेशन क्या होने वाली है, ब्रेकिंग क्या मिलने वाली है आपको, सस्पेंशन क्या मिलने वाला है और डिमेंशन क्या मिलने वाली है, पूरी डिटेल में बताऊंगा आपको। तो आपको आप वीडियो के एंड तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्राइस के बारे में बता दूं तो होंडा ने अपने इस गाड़ी को दो वेरिएंट के साथ इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है और जो पुरानी शाइन SP आती थी 125 उससे जो ये प्राइस है 5 से 6 हज़ार रुपये इंक्रीज हुआ है। पर इंक्रीज हुआ है तो वो वैल्यू फॉर मनी है क्योंकि होंडा ने इसमें 12 से 13 ऐसे बड़े चेंजेस किए हैं जो कि इस गाड़ी को और ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा मतलब अच्छा बनाते हैं आप कह सकते हो। क्योंकि प्राइस तो सभी का चेंज हो रहा है, सभी का बढ़ रहा है, बट जो इसका प्राइस चेंज हुआ वो वैल्यू फॉर मनी है आपके लिए। मैंने ऐसे 12 चेंजेस के लिए वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हो। और आज हम इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। जो बेस मॉडल है उसका जो प्राइस रखा है होंडा ने वो 72 हज़ार पे रखा है। जो टॉप मॉडल है उसका जो प्राइस रखा है होंडा ने वो 78 हज़ार पे रखा है। अगर हम इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसमें आपको 124cc का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन मिल जाता है और साथ ही साथ में आपको BS6 इंजन मिलता है विद फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम के साथ, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और जो कि इसके माइलेज और परफॉर्मेंस को ज़्यादा इंक्रीज कर देती है। अगर हम पावर की बात करें तो इस गाड़ी में आपको जो पावर मिलता है वो 8 किलोवाट का मिलता है एट 7500 rpm में। और अगर हम टॉर्क की बात करें तो इस गाड़ी में आपको जो टॉर्क मिलेगा वो 10.9 Nm का मिलेगा एट 6000 rpm में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और अगर हम कंप्रेशन रेशो के बारे में बात करें तो इसमें आपको 10:1 की कंप्रेशन रेशो देखने को मिल जाती है और इसमें आपको किक और सेल्फ दोनों ही मिल जाता है। और इस गाड़ी में आपको 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिलेगा। अगर हम इस गाड़ी के टायर की बात करें तो आपको फ्रंट और रेयर दोनों में ही 18 inches के ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर हम ब्रेक की बात करें तो ब्रेक के दो वेरिएंट आते हैं और दोनों में ही आपको CBS कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, एक ड्रम ब्रेक और एक डिस्क ब्रेक। जो ड्रम ब्रेक है फ्रंट और रेयर में आपको 130 mm के मिल जाते हैं। अगर हम डिस्क ब्रेक की बात करें तो फ्रंट में आपको डिस्क मिलती है और रेयर में आपको ड्रम ही मिलता है। जो फ्रंट की डिस्क है उसका जो साइज़ है वो 240 mm का आपको डायल मिलता है। अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो जो फ्रंट में आपको सस्पेंशन मिलता है इस गाड़ी में वो टेलीस्कोपिक मिलता है और जो रेयर में सस्पेंशन मिलता है वो आपको हाइड्रोलिक टाइप मिल जाता है, जो कि इस गाड़ी के लुक को और सस्पेंशन को और परफॉर्मेंस को काफ़ी अच्छा बना देते हैं। अगर हम इस गाड़ी के डायमेंशन के बारे में बात करें तो जो इस गाड़ी की आपको लेंथ मिलती है वो 2020 mm मिलती है, विड्थ जो मिलती है वो 785 mm की मिलती है। अगर हम हाइट की बात करें गाड़ी की तो आपको 1103 की हाइट मिल जाती है और व्हील बेस मिलता है आपको 1285 mm का और ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको 160 mm का। अगर हम गाड़ी की सीट हाइट के बारे में बात करें तो जो गाड़ी की सीट हाइट आपको मिलती है वो मिलती है 790 mm और सीट जो लेंथ मिलती है वो मिलती है 705 mm की। और जो वेट मिलता है तो दो वेट है इसका, जो दो वेरिएंट में आती है, जो आपको ड्रम ब्रेक के साथ मिलेगी उसका जो वेट है वो 117 kg है और जो डिस्क ब्रेक के साथ है उस गाड़ी का वेट 118 kg है। अगर हम इस गाड़ी के फ्यूल टैंक के बारे में बात करें तो फ्यूल टैंक इसमें आपको 11 लीटर का देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ जो हेडलाइट है उसमें आपको LEDs देखने को मिल जाती है और टेल लाइट का भी डिज़ाइन काफ़ी चेंज किया है होंडा ने। अगर हम ग्राफिक्स की बात करें तो ग्राफिक्स में भी काफ़ी चेंजेस किए हैं, अब इसको सपोर्टिव लुक दिया गया है इस गाड़ी को। साथ ही साथ जो टैंक है वो पुराने वाले जो इसका फ्यूल टैंक है वो पुराने मॉडल से काफ़ी चेंज किया, अब इस गाड़ी को पूरा का पूरा एक स्पोर्टिव लुक दिया गया है। और जो व्हील्स हैं अलॉय वे हैं उन्हें भी चेंज किया गया ताकि इसके लुक को और इसको और स्पोर्टी देखने को लगे बाइक। और अब ये गाड़ी आपको 2-4 नए कलर में भी देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर ये गाड़ी का प्राइस 4 से 5 हज़ार रुपये इंक्रीज़ हुआ है तो वो वैल्यू फॉर मनी है, इसमें आपको काफ़ी बड़े चेंजेस देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर आपको ये पूरी स्पेसिफिकेशन कैसी लगी और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।